अभ्यास 8G, सर्वक्षण का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये सर्वक्षण का आई कहाँ से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कैसे। तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का गुणनफल ज्ञात करते, देखते कितना आता है। तो ए का गुणा पहले ए माइनस बी में होगा, तो ए गुणा ए माइनस बी, प्लस था प्लस लगाया, फिर बी का गुण पूरे में, तो बी गुणा ए माइनस बी। अब ए का ए में गुणा होगा तो ए स्क्वायर, ए का बी में गुणा हो तो ए बी, और माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब प्लस बी का गुणा ए में करें तो बी ए, और प्लस बी का गुणा माइनस बी का तो बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, गुणन के क्रम विन्वे नियम से, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वहां प्रूफ हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी सर्वक्षम क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर्वक्षमका का प्रयोग करें इसका मान ज्ञात करना, 5 + x इंटू 5 - x। तो यहाँ 5 की जगह हम a मान लेंगे और x की जगह b मान लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो अभी फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये सर्वक्षम क्या है। तो 5 की जगह ए, एक्स की जगह बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 + x इंटू 5 - x बराबर हो जाएगा, ए की जगह 5 तो 5 स्क्वायर, और बी की जगह कितना माना, एक्स माना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 5 × 5 = 25 माइनस का एक्स स्क्वायर आंसर। अगला है 3x + 4y इंटू 3x - 4y। तो बहुत सारे सवाल लगाने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कुछ सवाल उससे मिलते जुलते जो रह जाएंगे उसके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। तो 3x के स्थान पर a और 4y के स्थान पर b रख देंगे, तो बन जाएगा a प्लस बी, 3x के स्थान पर a माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे कितना माना, 3x माना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, और बी के स्थान पर 4y, तो हो जाएगा 4y का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3x² यानी 3x × 3x, 3 × 9 x² माइनस 4 का वर्ग 16 और वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, तो 9x² माइनस 16y² आंसर। अगला सवाल है सर्वक्षमिका का प्रयोग कर 4x + 2y 4x - 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो 4x + 2y इंटू 4x - 2y, तो 4x की जगह यहाँ ही 4x, यहाँ ही 4x, 4x क्या a मान लेंगे और 2y की जगह b मान लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 4x है, माइनस बी स्क्वायर, और बी की जगह कितना है 2y है का होल ऑफ स्क्वायर। तो 4x का होल ऑफ स्क्वायर यानी 4 × 4 = 16 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 16x² माइनस 4y² फिर कह रहा है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो मान ज्ञात कीजिए। तो या तो यहां पर x और y के मान रख देंगे या यहां पर रख देंगे, तो मान निकाल लेते हैं, तो मान हमारा हो जाएगा 16 और एक्स से कितना रखना है 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4 और वाई का मान है 1,
एक का वर्ग। तो 16 गुणे 2 का वर्ग 4 माइनस 4 एक का वर्ग 1, तो हमारा हो जाएगा 16 चौके 64 और माइनस 4 एकम 4 और 64 में 4 गए तो 60 आंसर। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई 2x माइनस 1, तो गुणा कर देंगे तो फिर लग जाएगा, इसको मान लेंगे ए 2x को और बी को मान लेंगे 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। एक पुस्तक का मूल 3x प्लस 1 रुपये है, इसी प्रकार 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, यदि x बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपए है ना, और पुस्तकों की संख्या है 3x माइनस 1, तो पुस्तकों का मूल ज्ञात करना है। तो एक पुस्तक में जितनी पुस्तकें उतने का गुणा कर देंगे तो पुस्तकों का मूल निकल आ गया, यानी हो जाएगा 3x प्लस 1 गुणे 3x माइनस 1। अब 3x को मान लें ए, 1 को मान लो बी, तो ए प्लस बी, 3x हमारा कितना है ए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सर्व संख्या होती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह कितना आएगा 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो पुस्तकों का मूल हो जाएगा हमारा इतने रुपए। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या, तो पुस्तकों की जो संख्या में कितनी है 3x माइनस 1, तो 3x का कितना रखना है 3 माइनस 1, तो 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर 8 पुस्तक, तो जो पुस्तक होंगी वो हमारी कितनी होंगी 8 होंगी। फिर बोल रहा है यदि x बराबर 4, थर्ड पार्ट में है, यदि x बराबर कितना है 4 है तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे, तो पुस्तकों का मूल निकला था हमारा 9x स्क्वायर माइनस 1, तो 9x का कितना रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 4, 4 जब 16 माइनस 1, 16 नंबर 144 माइनस 1, और 144 में 1 जाएगा तो हमारा आएगा 143 रुपये आंसर। सरल समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यह हमें मान ज्ञात करने हैं। तो 153 की जगह ए मान लेंगे और 147 के जगह बी मान लेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, तो 153 ये ए है प्लस बी, बी हमारा कितना 147, तो प्लस 147 इंटू ए माइनस बी 153 माइनस 147। अब 153 में 147 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 300, और 153 में 147 घटाएंगे तो आएगा हमारा 6, और 300 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा 1800। अगला है 12.1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7.9 का होल ऑफ स्क्वायर, तो फिर हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी 12.1 प्लस 7.9 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 12.1 माइनस 7.9, तो ये हो जाएगा 12 8 20 है ना 20.0 इंटू 4.2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दो दूनी 4 दो चौके 8 एक अंक का स्थान, एक अंक स्थान पर जीरो लग जाएगा एक अंक बाद, तो आंसर आ जाएगा 84। अभ्यास 8H, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो 51 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर,
50 में 1 जोड़ 51 और स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दिया। अब ये हो जाएगा हमारा ए और इसको मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहा हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 50 को मान लेंगे ए, 1 को मान लेंगे बी, तो ये हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान है 50 और बी का मान है 1 प्लस बी का स्क्वायर, और बी हमारा 1, 1 का वर्ग। 50 का वर्ग 5 5 25 और 1 0 को डबल 0, 50 दूनी 100, 100 एकम 100 और प्लस 1। जब हम टोटल करेंगे तो 2500 में 100 2600 और 1 जोड़े तो 2601 आंसर। इसी प्रकार 105 है, तो 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर सूत्र इसमें ही बन जाएगा। 201 को लिख सकते हैं 200 प्लस 1, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। 302 को लिख सकते 300 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर 1001 को लिख सकते 1000 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 49 का होल स्क्वायर है ना। तो हम ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं जो 10 20 30 50 या 10 के गुणज के रूप में होती है, तो मान निकालने में आसानी होती है। तो 49 का होल स्क्वायर 50 में से यदि 1 घटा देंगे 49 आ जाएगा, 49 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मान रख देते ए की जगह 50 रखेंगे और बी की जगह 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है 50 और बी का मान है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग। तो 50 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 10 को डबल 0, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, 1 का वर्ग 1। तो 2500 में 100 जाएंगे 2400 और 2400 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2401 आंसर। 9.8 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो जो 9.8 है वो 10 के पास है, तो इसके 10 के पदों में लिखते हैं इसको। तो 9.8 का होल ऑफ स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 यानी 10.0 माइनस 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 10 में से 0.2 घटा देंगे तो 9.8 आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ पर ए है वहाँ 10 रखेंगे और जहाँ बी है वहाँ 0.2, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है 10 और बी का मान है 0.2 प्लस बी स्क्वायर 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 2 20, 20 2 40 और 1. तो यहाँ 4.0 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, 100 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो आएगा 96, और 96 में 0.04 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96.04 आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10.5 को 10 प्लस 0.5, और 9.5 को लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5, 10 में 0.5 ऐड करेंगे 10.5 हो जाएगा, 10 में माइनस 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9.5 आ जाएगा। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, और 100 में 0.25 सब्सट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 99.75 आंसर। अगला सवाल है ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 5/2, हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर।
इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस टू ए, और बी की जगह कितना है, वन अपॉन ए, तो टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान है वन अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर था बराबर लगाया, 5/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 सा 25, और 2 का स्क्वायर 2 2 सा 4, 25/4 है ना, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 1 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग ए स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 25/4। हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/ a² का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/ a² बराबर, ये प्लस का 2 इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस 2 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 25/4 माइनस का 2, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 25 माइनस 4 2 8, और 25 में 8 जाएगा कितना आएगा, तो 17/4, तो हमारा मान निकल आएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 17/4 आंसर। ए माइनस 1/a बराबर 0 दिया है, और ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात करना है, तो ये पिछले सवाल की तरह हल करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर में मान ज्ञात करना है ना, तो ए माइनस 1/a इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, से इसको तोड़ेंगे सर्वसम का प्रयोग करके, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए और बी की जगह 1/a प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो 0 का वर्ग 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, 2 1 2 प्लस 1/a का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0, माइनस 2 स्तर प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर माइनस 2 स्तर पर प्लस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।